हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक्नोलॉजी। मैं हितेश बदवा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फाइल मेन्यू, व्यू और कंप्लीट स्टैंडर्ड टूल बार्स के बारे में कि इनमें क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो फाइल मेन्यू से होगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो डिस्प्ले हो रहा है वो है न्यू। आप MS Paint में काम कर रहे हैं बट आपको एक नई फाइल इंसर्ट करनी है तो आप न्यू पर जाकर या कंट्रोल प्लस एन ऑप्शन की हेल्प से न्यू फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पहले से बनी बनाई फाइल आपको ओपन करनी है तो आप ओपन या कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन की हेल्प से उसे ओपन कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ वही एग्जिस्टिंग फाइल ही ओपन करके बताएगा जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी। उसके बाद आता है रीसेंट। रीसेंट का मतलब होता है हमारे काम करने से पहले जिसने भी काम किया है उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपको रीसेंट में दिखाई देंगी। नेक्स्ट आता है सेव। सेव का मतलब आप अपनी फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है आप अपनी फाइल को किस टाइप से सेव करना चाहते हैं। ये आपको अलग अलग टाइप्स की एक्सटेंशंस दी गई हैं जिनका यूज करके आप अपनी फाइल को डिफरेंट टाइप से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंट। अगर आप अपनी फाइल का या आप अपने जो ड्राइंग का मैटर अपना रेडी हुआ है आप उसका प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल पी। अगर आप पेज सेटअप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको साइज क्या चाहिए पेज का, आपने पेज के साइज के साथ साथ उसको सोर्स भी देना है, आप क्या सोर्स देना चाहते हैं आप वो भी सेट कर सकते हैं। ऑटो सेलेक्ट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक इसके अंदर सेटअप है, जो साइज है पेज का उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपके पास टू टाइप्स की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपको वर्टिकल पेज देखने को मिलेगा और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल। आप यहां से पेज के मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जितना भी आप यहां से गैप देना चाहें। अब हम लेफ्ट से मार्जिन दे रहे हैं तो आप यहां से देख सकते हैं लेफ्ट से मार्जिन। अगर आप राइट से भी देंगे तो आप राइट से भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहां से टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन अलाइनमेंट में भी शो कर सकते हैं। स्केलिंग, जितना ज्यादा आप इसको जूम करना चाहें उतना जूम कर सकते हैं। अगर आप फिट टू रखना चाहते हैं, आपने कहा कि मुझे तो वन पेज वन पर ही चाहिए तो आप वन बाय वन करके उसे सेट कर सकते हैं। आपको आपका प्रीव्यू यहाँ पर साथ के साथ देखने को मिलता रहेगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी सेटअप है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। आगे की अब ऑप्शंस में जाने के लिए हम फिर से फाइल पर जाएंगे और वही प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करना चाहें तो आप उस पेज का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अभी हमने कोई भी ड्राइंग बनाई नहीं हुई है, अगर आपने बनाई होती तो आपको वो भी एरिया यहाँ पर दिखाई देता। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू एरिया पर क्लिक करना होगा और आगे के ऑप्शंस की हम बाकी बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। आप यहाँ से जो भी आपने स्कैन किया हुआ है या जो भी आपके कैमराज में है आप उसको भी यहाँ से ला सकते हैं और वो स्कैन किया हुआ मैटर आपका यहाँ पर डिस्प्ले करके आप एडिट कर सकते हैं। आप कहीं भेजना चाहें, आप अपने मैटर को यानी आप अपनी फाइल को सेंड करना चाहें सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि हमें तो ये पहले ना अपने बैकग्राउंड यानी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है तो आपके पास तीन टाइप यहाँ पर शो होंगे। फिल का मतलब है आपको पूरे पेज पर जो भी आपने ड्रॉइंग बनाई है वो आपको डिस्प्ले होगी। टाइल का मतलब है आपको टुकड़ों में वो चीज दिखाई देगी, जैसे हमारे टाइल्स होती हैं उस टाइप से। नेक्स्ट है सेंटर। सेंटर का मतलब आपको जो भी आपका मैटर है वो सिर्फ सेंटर में ही शो होगा, कंप्लीट डिस्प्ले पर दिखाई नहीं देगा। इमेज प्रॉपर्टी, जिससे आप पूरा सेटअप कर सकते हैं, यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पेज की यानी इमेज की साइज को, हाइट, विड्थ जो भी आप चेंज करना चाहें वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अबाउट पेंट। आप देख सकते हैं हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ये पार्ट चल रहा है। जब भी आपको एमएस पेंट के अबाउट में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उसमें आपको लेटेस्ट डिटेल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जैसे ही आप ओके करेंगे आप नेक्स्ट टैब को ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद आपका पहला एरिया आता है क्लिपबोर्ड। देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड कलेक्शन ऑफ कट कॉपी एंड पेस्ट होता है। जितना भी आप यहाँ पर काम करेंगे वो आपको सब क्लिपबोर्ड की मेमोरी में देखने को मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी यहाँ से शेप ड्रॉ की, शेप ड्रॉ करने के बाद आप चाहते हैं
आपने इसको कट करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना होगा। सिलेक्शन लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आया कट का, जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे वो आपकी यहाँ से चली जाएगी और आपका पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। आप इस पर क्लिक करने के बाद उसको वापस ला सकते हैं। कॉपी का मतलब है वो चीज़ आपकी यहाँ पर भी रहेगी, और अगर आप बाकी जगह लाना चाहते हैं तो आप बाकी जगह भी ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं जितने बार आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसको उतने बार ला सकते हैं। अब हमें एक के साथ साथ बहुत बार चाहिए, तो आप जैसे ही बार बार क्लिक करेंगे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप पेज के अंदर जाना चाहते हैं उसका मतलब इंपोर्ट यानी पेस्ट प्रो। आप कहाँ से लाना चाहते हैं, हमने कहा हमें हमारे कंप्यूटर से कोई और ड्राइंग इंसर्ट करनी है, या आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी अपने कैमरा रोल या जो भी आपने सेव की हुई है वहां से भी उठाकर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे वही सेम पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आपको शो हो जाएगी। आप कैंसिल करेंगे तो वो जैसे आप पहले काम कर रहे हैं उसी वर्किंग पे आप वापस पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है तो आप कंट्रोल ए और डिलीट बटन का यूज़ करेंगे, जिससे आपकी स्क्रीन वापस से पहले जैसी हो जाएगी जैसे आप काम कर रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप फिर से कोई अगर ड्रॉ करोगे कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी शेप, तो आप उस पर और ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन के ऑप्शन आए हैं, रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये क्या होते हैं, आप रेक्टेंगल का मतलब तो समझते हैं कि आपको क्या करना है, पूरा की पूरा रेक्टेंगल बेस से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम का मतलब है जितने एरिए से आप सिलेक्शन लोगे उतना ही एरिया आपको सिलेक्शन में दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिलेक्ट ऑल, आपको कंप्लीट एरिया सिलेक्ट करना है। फिर आप चाहते हो इन्वर्ट सिलेक्शन करना है, तो इन्वर्ट का मतलब जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया उससे बाकी वाला सिलेक्शन आपको डिस्प्ले होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे आपको फ्रंट और बैक दोनों चेंज दिखाई देंगे। डिलीट का मतलब आपने जितना भी सिलेक्शन लिया हुआ वो सब आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रॉप, जो भी शेप आप बना रहे हैं, जो भी ड्राइंग आपकी बनाई हुई है, आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं जितने साइज पे आपने सेट करना है। उसके बाद आता है आप रीसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सिलेक्शन लेंगे जो कि हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन है, रीसाइज में जाने के बाद अपने साइज जो भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज चाहते हैं आप उसमें देखिएगा आपकी शेप के साइज पे वो चेंज डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं आपको ये रोटेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो आप इसको भी चेंज करके देख सकते हैं। अब देखिए हमारी शेप है जो वो रेक्टेंगल बेस है, आपको इसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई एरो वगैरह यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं तो आप उसमें कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि आपको कैसे वो चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप देखो इनका फेस चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसका नाम है रोटेट। रोटेट का मतलब है आप किस डायरेक्शन में इसको बदलना चाहते हैं, 90 राइट में है और 90 लेफ्ट में है, जिसमें भी आप रोटेट करना चाहो। अगर आपको 180 करना है तो जिस डिग्री में आप चाहते हैं उस पर मूवमेंट दिखा सकते हैं। हमने कहा कि हमें 90 डिग्री पे मूव कराना है। इस टाइप से आप जो भी ऑप्शंस यूज करना चाहें, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप उसमें चेंज देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेंसिल। पेंसिल में क्या होता है, जो एरिया आपने पेंसिल से ड्रॉ करना होता है वो आप ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको माउस की प्रैक्टिस होगी और आप अलग अलग प्रकार का चेंज देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे बीच में से रह जाती है तो हम उसको ऐसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर फिल। कलर फिल का यूज करने के लिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो कलर आपको इन ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है आप वो कलर फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट की कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें, जिसमें आपको कंप्लीट टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं वो सब आपको डिटेल्स के साथ मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इरेजर। इरेजर का मतलब होता है रिमूव करना, इरेज करना। आप जो भी अपना मैटर है उसको इस टाइप से इरेज कर सकते हैं अगर आपको वो नहीं चाहिए तो। इरेजर का साइज आप कम भी कर सकते हैं कंट्रोल माइनस की हेल्प से, और ज़्यादा भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस प्लस की हेल्प से। जो भी एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको इस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। जितने एरिया पर आपका सिलेक्शन जाएगा उतना एरिया आपका रिमूव होता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब होता है जैसे आप कोई कलर ले रहे हैं या आपकी कोई इमेज है आप उसके अंदर से कलर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अब हमारा यहाँ पर स्काई ब्लू कलर है और हमने यहाँ पर सेट कर दिया ऑरेंज, बट मुझे
यहाँ पर स्काई ब्लू कलर ही अप्लाई करना है, तो कलर पिकर पर जाएंगे आप, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट कलर ऑटोमेटिक वही अप्लाई हो जाएगा जो आपने कलर चूज किया है। तो ये होता है कलर पिकर, कलर को पिक करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है फिल ऑप्शन की हेल्प से, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, इसकी हेल्प से आप डिस्प्ले को जूम इन और जूम आउट करके चेक कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर अगर आपको क्लोज करना है तो आप इसी पर क्लिक करेंगे, आपका मैग्नीफायर वहां से अनटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्रश। हमारे पास एमएस पेंट में 9 टाइप के ब्रशेज होते हैं, जिनमें आपको अलग अलग टाइप से चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश, कैलीग्राफी पेन, ऑल ऑयल, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, क्रियोन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर ब्रश। अब आप इनका यूज करके देखना चाहते हैं तो आप जैसे इन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वैसा ही ये अप्लाई होगा जैसा आपको दिखाया गया है। अब फिलहाल देखिए हमारा ये क्या था, ऑयल ब्रश, आपको उसी टाइप से दिखाई दे रहा है जिस टाइप से इसका नाम है। इसमें देखिए आपको ऑयल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर्स देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट है हमारा शेप। शेप में क्या होता है, आपके पास एमएस पेंट में 23 शेप्स हैं, जो आपको पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से पॉलीगन का यूज करना है, ट्रेंगल का यूज करना है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं पॉलीगन। देखिए पॉलीगन क्या होता है, आप जहां से स्टार्ट करेंगे आप उसको दूसरी जगह क्लिक करते रहिए, वो ऑटोमेटिक आपको शेप प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये जाता है, आपने जहां से स्टार्ट किया है आपको वहीं पर टिक करना है, वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप आउटलाइन और शेप फिल के बारे में। देखिए शेप आउटलाइन का मतलब है, अगर आप कोई भी यहाँ से शेप बना रहे हैं तो आप उसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपकी आउटलाइन उसी स्टाइल में आपको डिस्प्ले होगी। और शेप फिल का मतलब होता है, जो आपका सेकंड कलर होगा वो आपकी शेप के अंदर डायरेक्ट फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं, जिस टाइप से आपको शेप का बैकग्राउंड फिल कराना है आप उस टाइप से शेप के बैकग्राउंड को फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आप इनको नहीं रखना चाहते तो आप यहां से हटा भी सकते हैं। नो फिल का मतलब आपको कोई भी कलर यहां पर फिल नहीं शो होगा। और आउटलाइन में जैसे ही आप सॉलिड रखेंगे तो आपको वही दिखाई देगी, अगर आप नो आउटलाइन करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट की आपको आउटलाइन ही दिखाई नहीं देगी। उसके बाद साइज, टेक्स्ट के साइज को आप जितना ज्यादा चेंज करना चाहें उतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसे ही किसी भी शेप का यहाँ से साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप दिए गए ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये थे हमारे कलर वन एंड कलर टू, जो कि आप हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कलर वन क्या करता है, जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं उसके फ्रंट कलर यानी फोरग्राउंड पर अप्लाई होता है, उसकी आउटलाइन पर। और जो सेकंड कलर है हमारा, वो अप्लाई होता है हमारे बैकग्राउंड पर। अगर आप मोर कलर चाहते हैं तो आप एडिट कलर से भी ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे व्यू टैब के बारे में, जो कि आपको व्यू के बारे में सभी ऑप्शंस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है 100%, जो कि हमारे डिस्प्ले का फिलहाल हमने साइज सेट किया हुआ है वो आपको 100% पर सेटअप मिल रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की से इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप साइज इन जूम इन, कंट्रोल पेज डाउन साइज जूम आउट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूलर। आप देखिए आपको ड्राइंग पर यहाँ पर रूलर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा होगा, और रूलर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रूलर यानी हमारा स्केल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मतलब ग्राफ की लाइंस, आपको बैकग्राउंड पर ग्रिड लाइंस मिलेगी जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग को और अच्छे से बना सकते हैं। फिर जिस हिसाब से अगर हमें साइज का सेटअप करना होता है कि कितने एरिया में हमें उसको कवरअप करना है, तो बाय यूजिंग ग्रिड लाइंस हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार जो कि यहाँ पर सारे स्टेटस को डिस्कस कर रहा है, जूम इन जूम आउट। अगर आप इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। अब देखिए आपको ये ग्रिड लाइन हटानी है,
तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो भी हम ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे, स्टेटस बार के बारे में आप जान ही चुके हैं। अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपको विजिबल होगा, अनटिक करेंगे तो नहीं होगा। फुल स्क्रीन का मतलब होता है सिर्फ आपको डिस्प्ले पर अपना मैटर ही दिखाई देगा और कुछ आप नहीं देख पाएंगे। इसकी जो शॉर्ट की है वो रहेगी F11। अब देखिए आपको सिर्फ अपने डिस्प्ले में जो मैटर हमने बनाया हुआ था वही देखने को मिलेगा, बाकी कुछ भी हम यहाँ पर नहीं देख सकते। अगर आप वापस उसी एरिया पर जाना चाहते हैं अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करके जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारे पास थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, अभी आपको इनविजिबल शो रहा है। थंबनेल का मतलब है जो हम करंट विंडो पर काम कर रहे हैं उसका एक डुप्लीकेट सेकंड विंडो आपको दिखाई देगा। ये आपको सिर्फ तभी दिखाई देगा जब हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज अप अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको जो हमारा थंबनेल ऑप्शन है वो हाईलाइट मिलेगा और आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।